इन वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू सीरीज ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक आर एस अग्रवाल सो अर्यर वी वर डूइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद क्वेश्चन टू माइनस रूट थ्री एंड मल्टीप्लाई माइनस टू प्लस रूट थ्री ये दोनों ब्रैकेट को हमें मल्टीप्लाई करना है ओके okay? और सिंप्लीफाई होने के बाद आपको पॉजिटिव नेगेटिव रेशनल इरेशनल कैसा नंबर मिलेगा वो फाइंड आउट करना है ठीक है सो इन फर्स्ट ब्रैकेट आई कैन ऑब्जर्व दैट बोथ द नंबर दोनों ही नंबर नेगेटिव हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेटस डू वन थिंग ये माइनस साइन यहां से कॉमन ले लेते हैं सो दिस ब्रैकेट विल बिकम नाउ टू प्लस रूट थ्री एंड माइनस टू प्लस रूट थ्री सेकेंड ब्रैकेट जो का तू है सेकेंड ब्रैकेट को हमने कुछ नहीं किया है ओके नाउ यू कैन सी ए प्लस बी ए माइनस बी फर्स्ट ब्रैकेट दोनों नंबर पॉजिटिव हैं सो अगर आप इसको रीड करते हैं रूट थ्री प्लस टू एंड सेकेंड ब्रैकेट इज रूट थ्री माइनस टू ठीक है सो वन ब्रैकेट माइनस ऑलरेडी बाहर है ठीक है मैं एक बार लेट मी राइट दिस ब्रैकेट इन दिस वे रूट थ्री प्लस टू और दूसरा ब्रैकेट हमारे पास हो जाता है रूट थ्री माइनस टू ठीक है अब हमें यहां पे सीधा सीधा आइडेंटिटी बनती नजर आ रही है ए प्लस बी ए माइनस बी ओके सो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई होके क्या मिलेगा हमें माइनस ये बाहर है इसको कुछ नहीं कर रहे हैं सो दिस विल बी रूट थ्री स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठीक है रूट थ्री स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास थ्री और टू स्क्वायर हो जाएगा फोर सो फाइनली थ्री माइनस फोर इट विल गिव यू माइनस वन ठीक है फाइनली हमें यहां पे ब्रैकेट सॉल्व करके मिलेगा माइनस वन ओके ब्रैकेट को सॉल्व करने पे माइनस मिलेगा एक माइनस ऑलरेडी स्टार्टिंग से फ्रॉम द वेरी बिगनिंग माइनस 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 बाहर चल रहा है फाइनली वी आर गेटिंग प्लस वन ठीक है फाइनली हमें प्लस वन मिल रहा है सो वी आर गेटिंग अ पॉजिटिव एंड वन मतलब सीधे सीधे रेशनल ठीक है तो ठीक है ढूंढते हैं कहाँ पे मिल रहा है पॉजिटिव एंड रेशनल बी ऑप्शन मस्ट बी करेक्ट ओके सो ये क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गया होगा लेट्स स्टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन so here again three brackets are here six plus root twenty seven minus three plus root three and plus one minus two root three okay so सबसे पहला काम तो ये है इफ यू आर getting any bigger numbers कुछ larger numbers आपके पास हैं so उसको आप factorize कर लीजिए जैसे twenty seven को हम लिख सकते हैं three into three into three ठीक है जब भी आपको कोई बड़े नंबर स्क्वायर रूट के अंदर नजर आए तो कोशिश कीजिए फैक्टराइज करके जितना सिंप्लीफाई हो सकता है जैसे यहां पे थ्री और थ्री के हमें पेयर बनता नजर आ रहा है सो इट कैन बी रिटर्न एज थ्री रूट थ्री सो रूट ट्वेंटी सेवन कैन बी रिटर्न एज थ्री रूट थ्री इतना काम हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ओके आफ्टर दैट ब्रैकेट में बाहर माइनस साइन है प्लस साइन है सो so, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं ओके लेट्स सी हमें फाइनली क्या मिलने जा रहा है यहाँ पे सो फर्स्ट ब्रैकेट वी कैन राइट सिक्स प्लस थ्री रूट थ्री ठीक है रूट ट्वेंटी सेवन को हमने सिंप्लीफाई करके थ्री रूट थ्री लिख लिया सिक्स प्लस थ्री रूट थ्री ये माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर है सो इट विल गिव यू माइनस थ्री माइनस रूट थ्री ओके एंड देन प्लस साइन इज देअर सो इट विल बी प्लस वन एंड माइनस टू रूट थ्री ठीक है ये टर्म क्लियर हो गई ठीक है इसके बाद हम यहाँ से कलेक्ट करते हैं सिक्स माइनस थ्री एंड प्लस वन रेशनल नंबर सो सिक्स प्लस वन सेवन माइनस थ्री सेवन माइनस थ्री इट विल गिव यू फोर ओके एंड प्लस थ्री रूट थ्री माइनस रूट थ्री माइनस टू रूट थ्री सो फाइनली इट विल बी माइनस थ्री रूट थ्री माइनस वन रूट थ्री यू कैन से नंबर माइनस में है ये एड हो जाएंगे ऑन एडिशन इट विल गिव माइनस थ्री रूट थ्री ठीक है ओके नाइस प्लस थ्री रूट थ्री माइनस थ्री रूट थ्री कैंसिल हो गया सो फाइनली वी आर गेटिंग फोर ओके तो फिर से देखिए फोर इज वट कैन यू से पॉजिटिव एंड रेशनल ठीक है ढूंढते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव ये दोनों में पॉजिटिव आ रहा है बट इन ए ऑप्शन पॉजिटिव इेशनल तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाता है नेगेटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है सो पॉजिटिव एंड रेशनल ठीक है सो क्वेश्चन थर्टी सेवन में भी सिंप्लीफाई करके फाइनली हमको पॉजिटिव और एक रेशनल नंबर मिल रहा है ओके okay? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन थर्टी एट फिफ्टीन रूट फिफ्टीन ओके एंड डिवाइडेड बाई थ्री रूट थ्री ओके सो रेशनल और रेशनल नंबर वो एक दूसरे को सिम्प्लीफाई कर सकते हैं सो यू कैन सिम्प्लीफाई दिस थ्री फाइव जा फिफ्टीन और रूट वाले नंबर रूट वाले नंबर के साथ ही ऑपरेट होंगे और आप ऐसे भी समझ सकते हैं स्क्वायर रूट कंबाइन कर लेते हैं एंड फिफ्टीन कैन बी रिटर्न एज नाउ फिफ्टीन कैन बी रिटर्न एज फाइव थ्री ज फिफ्टीन और अपॉन में क्या लिखेंगे अपॉन में भी थ्री लिखेंगे ठीक है सो स्क्वायर रूट के अंदर थ्री से थ्री कैंसिल हो जाता है फाइनली वी आर गेटिंग फाइव एंड स्क्वायर रूट फाइव सो हेयर ऑल्सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ओके लेट्स हैव अ लुक ऑन क्वेश्चन थर्टी नाइन थर्टी नाइन अगेन वी आर हैविंग फ्यू लार्जर नंबर्स तो लार्जर नंबर में हमें हमेशा क्या करना है ट्वेंटी इज देर इसको फैक्टराइज कर लीजिए टू टू जा फोर फोर फाइव जा ट्वेंटी दूसरा नंबर स्क्वायर रूट में ही फाइव लिखा हुआ है सो नाउ वी कैन कंबाइन इन दोनों स्क्वायर रूट्स को कलेक्ट कर लेते हैं सो टू इंटू टू फाइव इंटू फाइव ओके दोनों ही नंबर पेयर बना रहे हैं टू का पेयर बन रहा है सो इट विल कम आउटसाइड टू और फाइव का भी पेयर बन रहा है तो फाइव हो गया फाइनली टू फाइव जा टेन ओके सो इट्स नाइस छोटे छोटे क्वेश्चन है इजीली हो रहे हैं हम लोगों से लेट्स हैव अ लुक ऑन क्वेश्चन नंबर फोर्टी अगेन छोटे छोटे वही थे को स्क्वायर रूट के अंदर फिर से हमें थोड़े लार्जर नंबर मिल रहे हैं ओके सो फोर एंड ट्वेल्व दोनों नंबर रेशनल हैं रेशनल और रेशनल को आप एक साथ ऑपरेट करेंगे स्क्वायर रूट आप लोग कंबाइन कर सकते हैं ट्वेल्व अपॉन ट्वेंटी सेवन सो फोर वन जा फोर फोर थ्री जर ट्वेल्व द स्क्वायर रूट वन अपॉन थ्री हो गया एंड इन साइड द स्क्वायर रूट फैक्टराइज ट्वेल्व के फैक्टर लिखते हैं टू टू 4 फोर थ्री ट्वेल्व ओके ट्वेंटी सेवन थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री एक थ्री से थ्री कैंसिल हो रहा है तो so, कैंसिल कर देते हैं एंड वट इज रिमेनिंग विद कितना रिमेनिंग बचता है हमारे पास वन अपॉन थ्री यहाँ पे टू की पेयरिंग हो रही है और डिनोमिनेटर में थ्री का पेयरिंग हो रहा है सो फाइनली वी आर गेटिंग टू अपॉन नाइन ठीक है सो आई होप ये क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा समझ भी आ रहा होगा क्वेश्चन फोर्टी वन इट सेम्स क्वाइट सिमिलर एंड ईजी ऑल्सो सो आई एम लिविंग इट फॉर यू ठीक है इसको आप सॉल्व कीजिए खुद से एंड डोन्ट फोरगेट टू शेयर योर आंसर इन कमेंट सेक्शन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू के बारे में तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू अगेन फ्यू लार्जर डिजिट्स कुछ बड़ी डिजिट है स्कवायर रूट के अंदर ठीक है तो सबसे पहला काम क्या बनता है इन डिजिट को सिंप्लीफाई करना ठीक है सो तो उसको हम यहाँ पे साइड में करके रख लेते हैं पहले सो स्क्वायर रूट थर्टी टू ओके सो थर्टी टू मीन्स टू विल बी रिटर्न five times two to the four two to the eight two to the 16 and two to the 32 so there we are getting two pairs though pair one ray of two so one two from here and one two from here two to the four and square root two four and square root two will left. this two is unpaired iska koi pair inyebandra so it will remain within the square root sign इन द सेम वे फोर्टी एट ठीक है आप लोग थोड़ा समझ रहे हैं तो इसको थोड़ा शॉर्ट में भी कर सकते हैं फोर्टी एट ओके फोर्टी एट कैन बी रिटर्न एज सिक्सटीन थ्रीजा सिक्सटीन थ्रीजा फोर्टी एट सो सिक्सटीन के लिए फोर विल आउटसाइड है ना एंड रूट थ्री सो इट कैन बी सिंप्लीफाइड एज फोर रूट थ्री ठीक है रूट एट को हम क्या लिख सकते हैं रूट एट रूट एट के लिए तो आप डायरेक्टली भी बता दीजिए टू रूट टू है ना इसको तो बच्चे बोलते हैं टू रूट टू टू रूट टू एक सॉन्ग भी है ना ऐसे टू रूट टू पता नहीं क्या है सो रूट एट कैन बी रिटन एज टू रूट टू ठीक है रूट ट्वेल्व फोर थ्री ज्वेल्व सो so फोर के लिए टू बाहर आ जाएगा एंड रूट थ्री विल लेफ्ट विद अस ठीक है हमने सारे नंबर को सिंप्लीफाई कर लिया पहले अब हम इसको सॉल्व करते हैं रूट थर्टी टू कैन बी रिटन एज फोर रूट टू ओके एंड रूट फोर्टी एट कैन बी रिटन एज फोर रूट थ्री फोर दोनों में हमें कॉमन भी लग रहा है ठीक है डिनोमीटर भी देख लेते हैं डिनोमीटर क्या बनता है रूट एट इज टू रूट टू एंड रूट ट्वेल्व ट इज टू रूट थ्री ओके ऊपर से हमें फोर कॉमन नजर आ रहा है और डिनॉमिनेटर में हमें कॉमन नजर आ रहा है टू और ऐसा लग रहा है कि जब फोर कॉमन लेंगे सो इट विल बी रूट टू प्लस रूट थ्री और डिनोमिनेटर से जब टू कॉमन लेंगे सो दिस विल गिव द सेम ब्रैकेट ओके एग्री कर रहे हैं सब लोग सेम ही ब्रैकेट मिल रहा है रूट टू प्लस रूट थ्री रूट टू प्लस रूट थ्री तो ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी है ये पूरा ब्रैकेट पूरा पूरा ब्रैकेट एज इट इज कैंसिल आउट हो रहा है सो टू टू ज फोर सो फाइनली ऑप्शन बी इज करेक्ट फाइनल आंसर हमारे पास टू आ रहा है आगे कुछ क्वेश्चन लाइक क्वेश्चन फोर्टी थ्री फोर्टी फोर मुझे क्वेश्चन नजर आ रहे हैं एक्सपोनेंट बेस्ड है ना पावर वाले क्वेश्चन नजर आ रहे हैं तो ठीक है साथ साथ रूल्स भी समझते चलेंगे सो हेयर वन ट्वेंटी फाइव पावर माइनस वन अपॉन थ्री सो वन ट्वेंटी फाइव फैक्टराइज कर लीजिए फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव सो इट कैन बी रिटर्न पावर थ्री एंड देन माइनस वन अपॉन थ्री ठीक है ये तो पावर क्वेश्चन में दी हुई थी अब रूल क्या है एक्सपोनेंट के रूल्स क्या है इफ ए पावर एम एंड इट्स पावर अगेन एन पावर की फिर से पावर हो रही है तो पावर्स क्या होती हैं पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं ये तो एक्सपोनेंट्स के रूल्स हैं हम लोगों ने ठीक है सो पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाती है सो लेट्स डू द सेम हेयर ऑल्सो फाइव पावर थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस वन अपॉइंट थ्री ठीक है सो थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा सो इट विल और पावर कभी भी नेवर हम माइनस में कभी पावर नेगेटिव नहीं छोड़ते हैं पावर कभी भी नेगेटिव नहीं रखेंगे फाइनल आंसर में पावर हमेशा पॉजिटिव लेना है ओके एंड पावर के लिए कौन सा एक्सपोनेंट रूल है हमारे पास इफ p अपॉन q पावर माइनस ए पावर माइनस में है सो so न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पोजीशन एक्सचेंज हो जाती है और यू कैन से रेसी प्रोकल हो जाता है और पावर का साइन चेंज हो जाएगा पावर का साइन ठीक है ध्यान रखना है ये बात हमें पावर का साइन चेंज हो जाएगा ओके सो इफ यू आर डूइंग रेसी प्रोकल है पी अपॉन क्यू क्यू अपॉन पी ठीक है सो पावर का साइन चेंज करते हैं सो so, जो बेस होगा उसका क्या होगा बच्चों रेसिप्रोकल हो जाएगा ठीक है सो हेयर वी आर हैविंग फाइव पावर माइनस वन और हम चाहते हैं पावर प्लस वन लिखना सो so फाइव का रेसिप्रोकल वन अपॉन फाइव ठीक है चलिए देखिए बच्चों कौन सा ऑप्शन करेक्ट नजर आ रहा है हमें फाइव माइनस फाइव वन अपॉन फाइव सी ऑप्शन हमें सही नजर आ रहा है ठीक है ओके सो so ईजी है समझते चलते हैं धीरे धीरे रूल्स भी यहाँ पे साइड में रिवाइज कर लेते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स जिसके नाम से आप जानते हैं इनको एंड uh, ये कॉन्सेप्ट्स को बहुत क्लियर करने के लिए यू कैन वॉच द सेपरेट वीडियो है ना लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के नाम से चैप्टर वन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यू आर हैविंग अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस टॉपिक आप वो भी पूरा पूरा वॉच कर सकते हैं ठीक है मैं कोशिश कर रही हूं यहां पे भी आपको रूल्स सारे समझाने के चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर द वैल्यू ऑफ सेवन पावर वन बाई टू एट पावर वन बाई टू तो यहाँ पे हमें क्या चीज ऑब्जर्व करने में आ रही है समझने में दोनों पावर सेम है ठीक है सो अगेन आई विल अ रूल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पावर्स अगर सेम होती हैं, a पावर m, ठीक है दूसरा नंबर b है और उसकी पावर भी m है दोनों नंबर की पावर सेम है सो so, वी कैन कंबाइन हम इन दोनों numbers को combine करके लिख सकते हैं कलेक्टिवली वी कैन राइट पावर एम है ना दोनों को कंबाइन करके पावर एम लिख सकते हैं चलिए लिख देते हैं यहां पे भी सो वी कैन राइट इट सेवन इंटू एट पावर वन बाई टू सेवन एट फिफ्टी सिक्स ठीक है ओके ये तो सीधे सीधे आंसर ही नजर आ रहा है हमें फिफ्टी सिक्स पावर वन बाई टू सो क्वेश्चन फोर्टी फोर का आंसर हो गया हमारा बी ऑप्शन लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव ओके इस बार इस क्वेश्चन में बेस सेम है है ना सो so ये रूल तो हमें सब बच्चों को बहुत अच्छे से आते हैं इफ बेस इज सेम बेस सेम होता है तो मल्टीप्लीकेशन में पावर एड हो जाती है चलिए सारे रूल्स आपके एक बार यहां पे आ भी गए हैं इफ बेस इज सेम ए पावर एम ए पावर एन ठीक है base same, M, N, ध्यान दीजिए बेस सेम है दोनों का बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो व्हाट इज द रूल बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं मल्टीप्लिकेशन में और बेस सेम होता है तो डिवीजन में पावर्स अगर डिवाइड है तो पावर क्या हो जाती है बच्चों सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है सेम रूल्स आपको यहां पे अप्लाई करने हैं तो यहाँ पे बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है सो पावर्स विल बी सब्ट्रेक्टेड थर्टीन पावर वन अपॉइंट फाइव न्यूमरेटर वाली पावर आपको पहले लिखना है क्योंकि आप न्यूमरेटर में लिख रहे हैं माइनस वन अपॉन थ्री ओके सो वन अपॉन फाइव वन अपॉन थ्री सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको थर्टीन पावर फ्रैक्शंस है सब्ट्रैक्ट करने का मतलब पहले एलसीएम लेंगे ओके सो इट इज़ फाइव थ्री झा एंड थ्री फाइव सा माइनस टू अपॉन फिफ्टीन थर्टीन की पावर हो जाती है माइनस टू अपॉन फिफ्टीन थर्टीन पावर माइनस टू अपॉन फिफ्टीन क्लियरली डायरेक्टली हमें डी ऑप्शन नजर आ रहा है पावर अपॉन वेल लॉजिकली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पावर पॉजिटिव लिखते हैं ना हम लोग बट वो ऑप्शन ही नहीं है ऑल द ऑप्शन थर्टीन पावर थर्टीन पावर थर्टीन पावर थर्टीन पावर ठीक है तो फिर हम ऐसे ही आंसर छोड़ देते हैं सो डी ऑप्शन थर्टीन पावर माइनस टू अपॉन फिफ्टीन ठीक है इट्स करेक्ट लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स इसकी बात करते हैं सो so यहां पे जो स्क्वायर रूट का साइन है उसके बाद छोटा सा फोर लिखा है अगर ये छोटा सा फोर लिखा है इसका मतलब होता है पावर वन अपॉन फोर ठीक है इसको हम बोलते हैं फोर्थ रूट इट इज इसको हम रीड करते हैं फोर्थ रूट है ना सो दिस इज रीड एज फोर्थ रूट सो सिक्सटी फोर पावर माइनस टू एंड होल पावर वन अपॉन फोर ठीक है सो वंस अप्लाई द रूल पावर टू द पावर पावर टू दी पावर में क्या रूल था हमारे पास ये रहा सबसे पहले पावर टू दावर पावर को मल्टीप्लाई कर देना होता है मल्टीप्लाई कर दीजिए 64 पावर माइनस टू एंड वन पॉइंट फोर ओके कैंसिल हो जाएगा टू टूजा फोर सिक्सटी फोर की पावर माइनस वन पॉइंट टू मिल रही है हमें 64 पावर ठीक है एक तो बात हुई पावर माइनस में आ रही है तो माइनस में आने का मतलब क्या हुआ यहां पे जो 64 बेस लिखा हुआ है उसका क्या हो जाएगा बच्चों रेसिप्रोकल हो जाएगा ठीक है चलिए आगे यहीं पे जहां भी मुझे स्पेस नजर आ रहा है मैं वहां लिखते जाती हूं सो इट विल बी वन अपॉन सिक्सटी फोर एंड पावर वन अपॉन टू ठीक है यहां पे हमने रेसिप्रोकल कर दिया बेस को आपने रेसिप्रोकल कर दिया इट मीन्स पावर का साइन चेंज हो गया ठीक है पावर हो गई प्लस वन अपॉन टू वन अपॉइंट टू पावर का मतलब क्या होता है बच्चों स्क्वायर रूट है ना एट एटा सिक्सटी फोर यहाँ तो पेयर बन रहा है सीधे सीधे सो इट विल बी वन अपॉन एट है ना सो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन क्लियर ठीक है सो बच्चों अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है क्वेश्चन समझ आ रहे हैं सो डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन की पावर जीरो पावर जीरो पावर जीरो किसी भी नंबर की पावर जीरो ठीक है रूल्स का कलेक्शन यहाँ पे चल रहा है तो रूल्स के कलेक्शन को ही आगे बढ़ाते हैं सिक्स रूल किसी भी नंबर की पावर जीरो है इट मीन्स आंसर इज वन सोचना ही नहीं है कि नंबर क्या है पावर जीरो दैट इज वन सो दिस क्वेश्चन विल गिव यू टू पावर जीरो वन सेवन पावर जीरो वन फाइव पावर जीरो वन so finally you will be getting answer two okay question number forty eight two four three पावर one upon five पावर में आपको जो भी फ्रैक्शन नजर आ रहा है कोशिश कीजिए बेस को फैक्टराइज करके है ना किसी नंबर की पावर मिलती है क्या ओके सो आई थिंक इट इज three पावर five आप फैक्टराइज करके देखिए थ्री थ्री झा नाइन थ्री झा ट्वेंटी सेवन थ्री एटी वन थ्री झा टू फोर थ्री थ्री पावर फाइव एंड वन अपॉन फाइव इसके बाद तो वर्किंग बहुत इजी हो जाता है इसके बाद का वर्किंग बहुत इजी हो जाता है पावर टू पावर सबसे पहला रूल लिखा हुआ है आपके फोन की स्क्रीन पे पावर टू पावर होंगी तो क्या होगा पावर्स की मल्टीप्लाई सो दिस विल गिव अस थ्री पावर फाइव मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन फाइव फाइव और फाइव दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसल फाइव कैंसिल फाइव सो फाइनली हमारे पास बच जाता है थ्री है ना सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन सो नाइन पावर थ्री पावर थ्री एवरीवेयर पावर थ्री नजर आ रही है सो नाइन पावर थ्री नाइन नाइन एटी वन एंड मल्टीप्लाई बाय नाइन इट विल गिव यू सेवन टू नाइन ठीक है देन प्लस साइन माइनस थ्री पावर थ्री माइनस की पावर ऑड नंबर है ओके लेट्स कंटिन्यू अपने रूल्स आगे लिखते हैं कोई भी नेगेटिव नंबर होगा और उसकी पावर अगर आपको ऑड नंबर नजर आ रही है सो फाइनल आंसर विल बी नेगेटिव फाइनली आपको आंसर माइनस में ही मिलेगा और नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन नंबर है सो फाइनल आंसर विल बी पॉजिटिव ठीक है वो नंबर कितना ही लार्ज हो कितना ही छोटा हो मान लिया माइनस टू और पावर हमें मिल रही है यहां पे थर्टीन ठीक है so, सो माइनस का नंबर है और पावर कैसा हो गया ऑड नंबर सो फाइनली इट विल बी माइनस फाइनल साइन माइनस में ही आएगा ऐसे ही नेगेटिव की पावर अगर इवन नंबर है मान लेते हैं नेगेटिव की पावर थर्टी फोर बट इवन नंबर आपको इवन और ऑड ही चेक करना है इवन नंबर है सो योर आंसर विल बी पॉजिटिव ठीक है तो ये बातें ध्यान रखेंगे यहां पे माइनस की पावर हमें ऑड नंबर मिल रही है सो आर आंसर विल बी नेगेटिव थ्री थ्री जर नाइन थ्री ट्वेंटी सेवन थ्री थ्री नाइन थ्री जार ट्वेंटी सेवन माइनस सिक्स पावर थ्री इसको भी लिख लीजिए सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स एंड थर्टी सिक्स सिक्स जा टू वन सिक्स तो इसको सिंप्लीफाई करके हमें मिल जाता है सेवन ट्वेंटी नाइन माइनस टू फोर थ्री कैलकुलेशन है आगे प्लस माइनस सो ऑन सब्ट्रैक्शन फोर एट सिक्स ही आपको मिलेगा सामने के सामने करेक्ट आंसर हमें नजर आ गया सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिल जाएगा फोर एट सिक्स ठीक है देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्टी की बात करते हैं सिक्सटीन पावर माइनस वन अपॉन फोर और आगे सिक्सटीन फोर्थ रूट इज है ठीक है पावर माइनस वन अपॉन फोर फ्रैक्शन में वन अपॉन फोर है तो कोशिश कीजिए उसको सिंप्लीफाई करने की सिक्सटीन कैन बी रिटन एज टू पावर फोर सिक्सटीन को हम टू पावर फोर लिख सकते हैं टू टू जा फोर टू जा एट टू जा सिक्सटीन सिक्सटीन कैन बी रिटन एज टू पावर फोर एंड देन माइनस वन अपॉन फोर ओके इन द सेम वे अगेन सिक्सटीन सो टू पावर फोर एंड पावर वन अपॉन फोर ठीक है फोर्थ रूट मतलब पावर फ्रैक्शन में लिखा जाना है सो दिस फोर एंड फोर कैंसिल आउट वट विल लेफ्ट विद टू पावर माइनस वन और यहां पर पावर और पावर की मल्टीप्लाई करेंगे फिर से फोर एंड वन अपॉन फोर कैंसिल इट विल गिव यू टू पावर वन ठीक है टू पावर माइनस वन पावर माइनस में है पावर माइनस में होने का मतलब क्या होता है ऑलवेज रेसिप्रोकल है ना पावर माइनस में होगी तो बेस का कैसे करेंगे हम बेस का रेसिप्रोकल लिखेंगे और पावर का साइन चेंज हो जाएगा बेस ये भी हमने रूल ओके ऊपर रूल नंबर टू हमने पढ़ा था तो ऊपर चला गया है पावर अगर नेगेटिव है ठीक है बेस so, आप रेसी प्रोकल करेंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा ठीक है so, सो यहाँ पे तो हमें नजर आ रहा है कि टू और टू कैंसिल ही हो गए फाइनल आंसर वन ओके गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉच आर नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए टिल देन एंजॉय लाइफ एंजॉय मैथ्स एज इट्स इजी